सामने आज वार्डन पुलिस के अहलकारान की बदमाशियां रोज पर इतना देने पर ड्राइवर हजरात के चलान करने लगे। गरीब ड्राइवर शदीद परेशान, डीपीओ सियालकोट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। समरियाल के इलाका मोड़ समरियाल पर तैनात सब इंस्पेक्टर नायब बेग ने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुसूफ ने रिश्वत ना देने की पदाश में चांद गाड़ी और टोयोटा हाईएस के ड्राइवरों के चलान करना और ग्रीस गाड़ियां देना मामूल बना रखा है। सुबह के वक्त नायब बेग ने टोयोटा हाईएस के ड्राइवर सलीम से मुबैना तौर पर रिश्वत का तकाजा किया और पैसे ना देने पर इसे ग्रीस गाड़ियां देना शुरू कर दी, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर सलीम ड्राइवर ने अपने कपड़े फाड़ लिए और वार्डन पुलिस के खिलाफ इत्तेजाज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर बाकी ड्राइवर हजरात भी इकट्ठे हो गए और वार्डन अहलकारान की करतूतों के मुताबिक मीडिया को बताया कि वार्डन अहलकारान हमसे सुबह नाश्ते करने के लिए रिश्वत तलब करते हैं, जो इनको नाश्ता वगैरह करवा देते हैं वो चलान से बच जाते हैं और जो इनको मुंह मांगे पैसे ना दे इसको गंदी गालियां भी देते हैं और 300 से लेकर 500 तक का चलान भी करवा देते हैं, जबकि चलान रसीद अपने पास रखकर मौका पर ही खुद ही पैसे वसूल करते हैं, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। चांद गाड़ी और टोयोटा हाईएस ड्राइवरों ने समरियाल मोड़ पर शदीद एहतजाज करते हुए डीपीओ सियालकोट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद खबर और अपडेट के लिए देखते रहें कैनल न्यूज़ लाइव।